नमस्कार, मैं आशुति वोरा, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। महिलाओं, बच्चियों और नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले दिन ब दिन देश में गति पकड़ रहे हैं। हर दिन भारत में कोई ना कोई मासूम बलात्कार जैसे घिनौनी हरकत का शिकार होती है। कुछ मामले प्रशासन तक पहुंचते हैं, लेकिन वहीं कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन पर पर्दा डाल दिया जाता है। हालांकि इस बार एक ऐसा मामला सुर्खियों में आया है जिसके बारे में जानकर बेशक आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से सामने आई है, जहां एक मस्जिद में 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप में पुलिस कर्मियों ने एक मौलवी मुंतजीर आलम को हिरासत में ले लिया है। 30 वर्षीय मौलवी मुंतजीर आलम मस्जिद में बच्चों को उर्दू भाषा सिखाता था। बता दें कि यह मौलवी बिहार के पूर्णिया जिले के कोचगढ़ का रहने वाला था और करीब 4 से 5 साल पहले हमीरपुर आया था। मुस्लिम समाज की रजामंदी से उसे मस्जिद में समाज के बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए रखा गया था। बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्ची के चाचा ने इस मामले पर कुरारा थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज करवाई है। इस शिकायत के मुताबिक 29 नवंबर की सुबह 7 बजे 11 साल की मासूम बच्ची अपने छोटे भाई के साथ घर से मस्जिद में उर्दू पढ़ने के लिए गई थी। जब बच्ची मस्जिद में पढ़ने के लिए पहुंची तो आरोपी मौलाना ने बच्ची के भाई को टॉफी देकर बाहर पढ़ने बैठा दिया। इसके बाद मौलवी बच्ची को मस्जिद में बने एक कमरे में अंदर ले गया। वहां जाते ही मौलवी ने दरवाजा बंद कर बच्ची के साथ दरिंदगी की। मौलवी की इस हरकत के बाद जब बच्ची ने चिल्लाना चीखना शुरू किया तो उसकी आवाज सुनकर मस्जिद में पढ़ने वाले बाकी बच्चे दरवाजा पीटने लगे, जिसके बाद उस मौलवी ने बच्ची को खून से लथपथ हालत में वहीं छोड़ दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। खून से लथपथ बच्ची जब अपने घर इस हालत में पहुंची तो उसके माता पिता के भी होश फाकता हो गए। आज दिनांक 29/11/2023 को थाना कुरारा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला संज्ञान में आया है। थाना कुरारा द्वारा इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए इसमें उपयुक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई प्रचलित है तथा आरोपी को हिरासत में लेके उससे पूछताछ की जा रही है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई भी प्रचलित है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर पुलिस की कार्यवाही अभी भी जारी है। फिलहाल अब आप बताइए कि आपका इस पूरे मामले पर क्या है कहना, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।